संगे लावी हर घाए हयु हाय हाय आशारी के शुभ घड़ी जय अवे आचा आचा टम टम आता शमनाओ जय अवे ओ शुभ संध्या का मैं नवीन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कितनी हसीन शाम है आज। कोठारी परिवार और पार्कर परिवार एक नए और प्यारे रिश्ते में बनने जा रहे हैं और जिनकी वजह से ये दोनों प्यारे रिश्ते में बनने जा रहे हैं वो दोनों भी बड़े दिलचस्प है। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन ये दोनों बच्चे एक दूसरे के प्यार में, मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ और एक दिन बाकी है ना एक दूसरे के प्यार में कैसे गिरे ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आज इनके में प्यार की कहानी आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। पहले शुरुआत करते हैं लड़के से। एक गाना मुझे याद आ रहा है। एक हसीना थी एक दीवाना था। वो सिर्फ दीवाना नहीं था, जोशीला था, नटखट था, रंगीला था। ऐसे बहुत सारे रूप उसमें थे। देखते कैसे। ऐसा है कौस्तु। अब मिलते हैं हमारी प्यारी सी लड़की से। एक लड़की थी दीवानी सी जो मुझसे मिला करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके मुझसे पूछा करती थी कि ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं कहता कि पक्की ड्रामा क्वीन है।
हमारे प्यारे बच्चे जितना और कौस्तु ऐसे पूजा। अभी मैं आपको इनकी प्यार वाली लव स्टोरी सुनाऊंगा। एक गाना मुझे याद आ रहा, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ये मुलाकात थी ऑफिस में, ऑफिस में एंट्री मारी, एक दूसरे के सामने आए और काम छोड़ो लेकिन दिल की घंटियां बजने लगी। अभी ये घंटियां सुनते Stop!
आपकी यादी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी मैं हरे चलूंगा, देखी सबकी यादी मेरा दिल जलाना। तो करना था, लड़का जब ले जाना चाहता था लड़की को डेट पे, तभी अचानक से वो बाय बाय करती ऑफिस के गेट पे। यही सिलसिला चलता रहा, लड़का लड़की के पीछे पड़ता रहा, लड़की उसको बैंग बैंग करती रही, हाँ बाय बाय करती रही, देखिए क्या हो रहा का दिल कहता था अकेले में मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात से खफा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई। तन्हाइयों में लड़की का भी दिल कुछ कहने लगा था, उसका मन कहते ही जा रहा था।
तेरे दिल में मेरी सांसों को हम चाहे तेरे इश्क के लिए जाए जाए फना हो जाए What's
ये दोनों परिवार एक प्यारे से रिश्ते में बन गए। बचपन से जिसको मैंने अपने हाथ में खिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो मेरी बेटी आज दूसरे के घर की लाश बनने जा रही है। मैं उस माँ को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और उसके साथ दीपना को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और अफकोर्स हमारा सबसे प्यारा दूल्हा और आपके मॉम डैड, आपको भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप भी हमारे साथ स्टेज पे आइए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये है नया परिवार, कोठारी पार कर खाने बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशियां। पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये तो मैंने इन लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं भी देखना चाहता था ये दोनों प्यारे परिवार कैसे। और Please come.